राम राम हरे हरे सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सतसिमाद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सतसिमाद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सतसिमाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शिलभक्त श्रीधर गुप्त पूरीगोष्ठी महाराज एवं समस्त वैष्णव वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथाथा धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हो। एक्चुअल कार्तिक व्रत प्रारंभ हो चुके हैं। हरिभक्ति विलास के अनुसार कार्तिक व्रत की कथा ऐसे है व नियम सेवा की मास जो है एक स्ट्राइक फूल एक किसका है एक गुरुदेव के दे दो ना और ये है क्या डबल माला जोड़ करके नहीं नहीं वो तो छोटा है दो दो ऐसे दो होने से हो जाएगा ना तो पोटी दिया दो है अरे हम लोग एक तो हर रोज तो लेते हैं और एक है तो लिया कार्तिक व्रत है एकादशी से प्रारंभ होती है अथवा द्वादशी और पूर्णिमा से भी प्रारंभ होता है। जैसे चैतन्य मठ में जो है वो लोग एकादशी से प्रारंभ करते हैं क्योंकि एकादशी तिथि जो है से मेरा ख्याल से भक्ति द्वैत माधव गोस्वामी महाराज के जो है शायद आविर्भाव तिथि और तिरुभाव तिथि है फॉरगेट भूल गया तो तिरुभाव तिथि तो उनकी तिथियों की देखते हुए और उधर भी वो लोग एकादशी से प्रारंभ करते हैं एकादशी में भी समाप्त करते हैं है। किंतु हम लोग के गौड़िया वेदांत समिति में जो है विशेष करके भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज हाँ ऊपर उठ जाओ बल्कि इनसे लगा दो वो उसको हटा दो अरे इसको हटा करके दखड़े वो हाँ ये देखो ठीक है गिर नहीं जाएगा तब हाँ भाई ठीक है अच्छा लग रहा है ना हाँ देखने सुंदर है तो परम गुरु महाराज के तिरुभाव तिथि जो है हम काल मनाएंगे और साथ ही साथ उज्जा व्रत की कथा दामोदर व्रत की कथा हम श्रवण करेंगे विशेष करके परम गुरु महाराज के विरह तिथि के उपलक्ष्य में श्रील गुरुदेव अपने गुरुदेव की पूजा अर्चन और इसके पश्चात जो है नियम संकल्प आदि के जमुना में हम लोग जाते थे जब गुरुदेव यहाँ पर मथुरा में परिक्रमा आदि करते थे यहाँ से शुरू होता था बाद में तो गोपीनाथ भवन और रूप सनातन होने के नाते वृंदावन से प्रारंभ हुई थी किंतु इसके पहले जो है यहाँ से ही शुरू हो जाता सब कुछ है। थोड़ा हम कार्तिक महीने के व्रत की कथा दो शब्द में बता दो महात्मा जी अरे आप बैठो यहाँ बैठो अरे सन्यासी ऊपर में बैठना चाहिए ना काल थे कि आज थे कि क्या बैठो इधर सन्यास इसलिए लिया गया ऊपर बैठने के लिए तब तो आगे ब्रह्मचारी पूछेंगे हाँ मम्मी भी सन्यास हम भी ऊपर बैठना है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा सन्यास लेना पड़ेगा। यदि एक बराबर से बोले ये भी ब्रह्मचारी है ये भी सन्यासी है हम एक जगह में बैठते हैं कोई क्या फर्क है आ समझिए हाँ सन्यासी ऊपर में बैठे तब ठीक रहते सन्यासी को बैठने ऊपर में बैठना चाहिए है सबके बराबर एक स्थान नहीं है, है? मर्यादा जो है हानि होना नहीं चाहिए मर्यादा उल्लंघन कभू सही तो ना पड़े महाप्रभु ने कहा ना है ब्रह्मचारी सन्यासी दी एक ही लाइन में एक ही ऊपर तो तात्पर्य क्या रहा
जो जैसे है उस लेवल में अपने सम्मान होना चाहिए। चलो तो थोड़ा सा मैं बोलता हूँ, अब मैं 15 मिनट बोल कर छोड़ देता हूँ, आप 15 मिनट बोलो और माधव महाराज बोलेंगे अवशिष्ट है। हाँ 10 मिनट, अभी 6 बजे मैं समाप्त कर देता हूँ। इस कार्तिक महीने की महात्मा की मैं वर्णन कर रहा हूँ। जिस प्रकार अधिक महीने अधिक मास व पुरुषोत्तम मास कृष्ण के अत्यंत प्रिय है, और पुरुषोत्तम मास माने ठाकुर जी का हम सेवा करेंगे नियम करके, और महीने तो नियम करते हैं, तथापि इस महीने में कार्तिक महीने के जो है हम लोग विशेष रूप में नियम के रूप में हम पालन करेंगे, भजन साधन जो करेंगे। इस महीने के और दूसरी नाम क्या है, दामोदर मास भी कहा जाता है, जसोदा दामोदर, क्योंकि किसी समय जो है कृष्ण राशि अंतर्ध्यान होने के बाद पुनः गोपी समाज में कृष्ण प्रकट होने पर श्रीमती राधिका कृष्ण के जो है फूलों की मालाओं के द्वारा बंधन किया था, इसलिए इस महीने के नाम कहा जाता है राधा दामोदर भी कहा जाता है। और दूसरी है जसोदा दामोदर, जिस कथा को जो है आप लोग जानते हैं, श्रीमद् भागवत में माँ जसोदा के दाम बंधन की लीला की कथा वर्णन है, इसलिए विशेष करके गौड़ीय वैष्णव लोग इस महीने में उस कथा को स्मरण करके कैसे माँ जसोदा बाल गोपाल के जो है छोटा सा रस्सी के द्वारा, वो भी रस्सी के अपने जुड़ा बांधने वाले रस्सी के द्वारा कृष्ण के कमर के साथ और ओखल के साथ बांध दिया था, इसलिए इस महीने के नाम भी कहा जाता है जसोदा दामोदर भी कहा जाता है। इस महीने के भी और भी कहा जाता है क्या, ऊर्जा व्रत भी कहा जाता है। जो व्रत पालन करते हैं, क्या व्रत पालन कर रहे हैं हम लोग, ऊर्जा व्रत पालन करते हैं। ऊर्जा शब्द के अर्थ होता है शक्ति, सर्वशक्ति सर्पिणी श्रीमती राधिका, जब कृष्ण शास्त्र में कहा जाए कृष्ण के कहा जाता है सर्व कृष्ण के कहा जाता है शक्तिमान, और श्रीमती राधिका के कहा जाता है शक्ति है, शक्ति शक्तिमान दर अभेद दोनों में कोई भेद नहीं है। तथापि शक्ति के विशेष वैशिष्ट हमारे आचार्य पाद ने दिखाए, शक्ति बिना शक्तिमान की कोई विशेष परिचय नहीं होता है। ब्रह्म क्या है, जो निशक्ति कहा जाए निरंजन निशक्ति उसके ब्रह्म कहा जाता है। परमात्मा में दो रहता है, परमात्मा में क्या रहता है, मुक्तता और सर्वत्र। परमात्मा में क्या रहता है, ब्रह्म में एक ही रहता है, सत चित आनंद। ब्रह्म में केवल सत्ता कहा जाता है, परमात्मा में दो सत और चित रहता है, और भगवान जब कहा जाते हैं उसमें तीन वस्तु होता है, सच्चित आनंद बदंती तत्व विदस्त तत्व जजगणमा दम ब्रह्मति परमात्मति भगवानति शब्दति। इसलिए ऊर्जा शक्ति हम जो कथा कर रहे हैं, शक्ति के द्वारा ही शक्तिमान के परिचय होता है। जैसे आपके शरीर में शक्ति है इसलिए आप कार्य आदि करते हैं, जैसे आपके देखने की शक्ति है दृक् शक्ति कहा जाता है, आँखों में आपको देखने की शक्ति है जिसे कहा जाता है दृक् शक्ति कहा जाता है, देखने की शक्ति है इसे दृक् शक्ति है। यदि आपके आँखों में देखने की शक्ति नहीं हो आपको, आप क्या हो जाएंगे, अंधा हो जाएंगे, ब्लाइंड हो जाएंगे। चलने की शक्ति है इसलिए आप चलते हैं, हाथ और पैर में चलने की शक्ति है इसलिए आप चलते हैं। यदि शक्ति नहीं रहे हाथ और पैर में चलने में शक्ति नहीं रहे तो आप चल नहीं सकते, आप वही व्यक्ति हो, किंतु जब तक शक्ति के क्रिया नहीं हो एक्टिविटीज नहीं हो तब कोई कार्य नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार ऊर्जा शब्द का अर्थ है शक्ति, कृष्ण के अनंत शक्ति है, किंतु सर्वशक्ति क्या है, सर्वपूर्णी स्वरूप शक्ति, सराब स्वरूप शक्ति ताहार उपरी, ये सर्वशक्ति सर्वपूर्णी श्रीमती राधिका, इस स्वरूप शक्ति के द्वारा कृष्ण ही सब कुछ करते हैं। उसमें सच्चित आनंद जो कहा जाए, आनंद अंश से ह्लादिनी, सद अंश से संधिनी और चिद अंश से संबित ज्ञान करिमानी आनंद से ह्लादिनी, वही आनंद के द्वारा ही कृष्ण के आनंद कराते हैं, और कृष्ण भी समस्त भक्त के भी वही आनंद रस पान करते हैं, पान कराते हैं।
है, इसलिए ऊर्जा की विशेष वैशिष्ट्य कहा गया है। इसलिए कहा था बलहीन न लभ, यदि बल नहीं रहे, शक्ति नहीं रहे, आप अपने अभीष्ट वस्तु के प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए श्रीमती राधिका के कृपा के द्वारा ही हम अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कहते सर्वशक्ति सर्वणी श्रीमती राधिका के कृपा प्राप्ति के लिए ही भक्त लोग राधा जी की आराधना आदि करते हैं, कृपा कर कृपा प्रार्थना करते हैं, राधा कृपा कटाक्ष। इसलिए हम लोग हर रोज क्या करते हैं, राधा जी की कृपा कटाक्ष प्राप्ति करने के लिए स्तव स्तुति आदि करते हैं, मनिंद्र बिंद बंदित है। इसलिए सुबह करे कहते हैं, सुबह करेंगे शाम को नहीं करेंगे, बोले सुबह तो खाया शाम को क्यों खाते हो, खाना एक टाइम खाओ, खाना बंद कर दो बिल्कुल, नहीं दो बार दो टाइम भी होनी चाहिए है। हाँ, नंदनंदन अष्टकम और राधा कृपा कटाक्ष और नमामि शरणम है, ये तीन कीर्तन जो सुबह और शाम को होने चाहिए है। अच्छा, इसलिए कृष्ण भी यह अपनी शक्ति के द्वारा अनेकों लीला आदि करते हैं। इसलिए शक्ति दो प्रकार के, एक मूर्त और एक अमूर्त है। अमूर्त के रूप में कृष्ण भी सदा सर्वदा विद्वान रहते हैं, जब कृष्ण इच्छा करते हैं वही मूर्त साक्षात में प्रकट होकर के राधे के रूप प्रकाश होकर के कृष्ण के साथ विविध क्रीड़ा आदि करते हैं और लीला रस आस्वादन करते हैं। इसलिए चैतन्य चैतामृत भी कह रहे हैं, राधा कृष्ण एक ही स्वरूप लीला रस आस्वादित धरे दुई रूप, प्रेम रस निर्जास करते आस्वादन, राग मार्गे भक्ति लोक करित प्रचारण, रसिक शेखर कृष्ण परम करुण यही द्वी होते लीला रो उद्गम है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसी प्रकार वर्णन कर रहे हैं, कृष्ण रसिक शेखर है। कृष्ण रसिक शेखर कब बने, राधा जी के साथ संग के प्रभाव से है। इसलिए कहते हैं वही प्रेम रस जो है कृष्ण जगत में प्रचार करते जा रहे हैं, किसने ब्रजे निर्मल निर्मल राग सुनी भक्तगण, राग मार्गे भजे जन छाड़ी धर्म कर्म है। ये ब्रजवासियों के हृदय में जो राग जो है स्वाभाविक जो कृष्ण के प्रति राग है, उसी के जगत में कृष्ण लीला आदि के द्वारा दिखाया है, जिससे श्रीमद् भागवत सुखदेव गोस्वामी पाद भी कहने अनुग्रह भक्तानां मानुषं देहमाश्रितं भजते तादृश क्रीड़ा जाश्रुत्वा तत्परो भवेत है। ये सब कथा को श्रवण करनी चाहिए और उसमें भी सदा सर्वदा अभिष्ट होना चाहिए। भवे शब्द अर्थ कहे विधिलिंग, विधिलिंग माने आपको करना ही पड़ेगा, यदि कहो नहीं करो, यदि नहीं करो तो प्रत्यय बाय होगा माने दोष लगेगा। इसलिए ये सब कथा को श्रवण करके उसमें अभिष्ट होना चाहिए है। और विशेष करके मधुर रस की विशेष वैशिष्ट्य दिखाया गया, यद्यपि कृष्ण के जो लीलाएं जो है दास सख वात्सल्य मधुर लीला, उस लीला में विशेष करके मधुर लीला की विशेष वैशिष्ट्य दिखा गया है। और इस मधुर लीला भी दो प्रकार के है, स्वकिया और एक परकिया। वैकुंठ से अयोध्या द्वारका मथुरा आदि में स्वकीयत्व दिखाया गया लीला, अर्थात स्वकीय माने पुरुष और माने पति पत्नी के संबंध, उसे स्वकीय दिखाया गया। किंतु ब्रज में परकीय लीला की विशेष वैशिष्ट्य है, इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी पुष्टिकरण कर दिया, ब्रज बिना परकीय रस के कोई और कहीं नहीं, ब्रज बिना नहीं अन्यत्र प्रचार है, एकमात्र ब्रज में ही ये परकीय लीला है, वो गोपियों के हृदय में है। इसलिए ये सब इसलिए यहाँ पर वर्णन करते हैं। और विशेष करके राधा जी के सर्वोत्तम जो भाव मदनाख महाभाव है, ये मदनाख महाभाव की विशेष वैशिष्ट्य हमारे आचार्य पाद दिखाया गया, जिसमें विरह और मिलन की वैशिष्ट्य है। और इस कार्तिक महीने में जो सो जो जो सबसे कृष्ण की जो सर्वोत्तम लीला आदि यही कार्तिक महीने हुई है। अभी समय हो गया नहीं बोले आपको 15 मिनट बोलना पड़ेगा ना, फिर महाराज जी बोलेंगे 15। कार्तिक महीने में कृष्ण समस्त प्रकार की लीला प्रकट की। इस कार्तिक महीने में कृष्ण दामबंधन की लीला प्रकट हुई है, और जिसमें विशेष करके नल कुबेर और मणिग्रीव के उद्धार की वर्णन हुआ। यद्यपि मैं इन सिक्वेंस नहीं बोल रहा हूँ, जैसे जैसे मेरा मन में आया और मैं लिखते गए। हाँ समझ नहीं
है तो सीक्वेंस बाद में करेंगे। गोवत्सन गोवत्स गोवत्स चारण लीला हुई थी इस महीने में, कार्तिक महीने में, और गोचारण लीला है जिसमें जो है गोपाष्टमी लीला की भी वर्णन है। इस महीने में कृष्ण ने विशेष करके जो है गिरिराज गोवर्ध धारण किया था। बोलो गिरिराज महाराज की जय, बोलो गिरिराज धारण की जय। और इस महीने में कृष्ण की सर्वोत्तम जो रासलीला भी हुई। इस महीने में विशेष करके दीपावली उत्सव भी मनाया जाता है। इस महीने में कार्तिक महीने में बहुला अष्टमी भी कहा गया है, जिसमें राधा कुंड की स्नान की महिमा बताया गया है। और कार्तिकेश्वरी व रासेश्वरी श्रीमती राधिका की इस महीने में कैसे वो लीला आदि की ये समझ दिखाया, जिसे हमारे जयदेव गोस्वामी दिखाया गया, स्मर गौरलम खंडनम मम शीर से मंडनम देही तब पद पल्लव मुदारम है। जब भी वो बासंतिक लीला है तथापि इस लीला को दिखा रहे। इस महीने में गुरुवर्ग के जो अधिक रूप में हम देखते हैं उनके आविर्भाव तिरुभाव तिथि है। इस कार्तिक महीने में अधिक रूप में हम लोग के गुरुवर्ग के आविर्भाव और तिरुभाव तिथि है। जैसे गौरखिलोदास बाबूजी महाराज के तिरुभाव तिथि, भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज के आविर्भाव तिथि, भीष्म पंचक आदि दिखाया गया, भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज के तिरुभाव तिथि, विशेष करके हमारे श्री गुरुदेव श्रील नित्यलीला पुरुषोत्तम विष्णुपाद अष्टोद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला पुरुषोत्तम विष्णुपाद अष्टोद भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज के तिरुभाव तिथि है, हम पालन करेंगे। और श्यामानंद आचार्य और गदाधर ठाकुर इनके ऐसे धनंजय पंडित को तिरुभाव तिथि, भक्ति रख श्रीधर गोस्वामी महाराज के आविर्भाव तिथि, वीरचंद्र प्रभु नरहरि सरकार इनके तिरुभाव तिथि मनाएगा। और विशेष करके इस महीने जम दीप दान देना चाहिए है। और विशेष करके इस महीने में जो है जुबना में स्नान की महात्मा दिखाया गया, विशेष करके भाई दो जाए ना क्या बोलते हैं भाई दो जा गया है, समझिए भाई और बहन जुबना में स्नान करने से जम लोग में वो कदापि नहीं जाएगा। इस महीने में भाती द्वितीया में स्नान की महिमा दिखाया गया है, जमदीप दान। और हमारे नरसिंह महाराज के तिरुभाव, नतम दास ठाकुर के तिरुभाव, विशेष करके जो है और विशेष हम छोड़ दिया भक्ति नित्यलाभ भक्ति वेदांत साईं महाराज की तिरुभाव तिथि भी है, और भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के आविर्भाव तिथि, ये सब समस्त तिथि हम पालन भी करेंगे, उनकी भक्त के लीला चरित कथा श्रवण करेंगे। इसलिए इस कार्तिक महीने की महिमा विशेष देखा, वंशाकृत कृपा सिंधु भी बच पतितानं पावने भो वैष्णवे भो नमो। जय श्री गुरुदेव की।